जी हाँ, आज हम आपको देने वाले हैं वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जिसके जरिए आपको मालूम हो जाएगा कि वाकई में विश्व कप की टीम में शामिल नहीं हुए युवराज सिंह विश्व कप के कमेंटेटर के तौर पर जब तैयार हो चुके हैं बात करने के लिए तो उन्होंने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी है। जी हाँ, इंग्लैंड पहुँचने वाले युवराज सिंह का गुस्सा शब्दों के जरिए निकला है और विराट रोहित के घमंड टूटने की भी बड़ी खबर आ गई है। विराट और रोहित जिन्होंने अभ्यास मैच में बड़ी हार का सामना किया पहले ही मैच में, जिसके बाद लगातार विश्व कप की टीम की मजबूती डगमगाती हुई नजर आई और इसे लेकर कैसे युवराज सिंह ने पहले ही अनुभव कर लिया था, अपने अनुभव को उन्होंने शेयर करते हुए इस बात का एहसास उन्हें कैसे हो गया था, इसकी जानकारी हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स, मैं तृप्ति आपके लिए लेकर आई हूं ये पूरी रिपोर्ट। चलिए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की बात हो रही है तो आपको जानकारी दे दें, आईसीसी विश्व कप में टीम इंडिया की संभावना विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच जुगलबंदी को लेकर युवराज सिंह ने जो अपना पक्ष रखा इस पर उन्होंने जानकारी देते हुए कई और बातें भी की। विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले चार टीमों में तीन टीमों का नाम लेने के अलावा टीम इंडिया की फील्डिंग पर भी उन्होंने जमकर बातचीत करते हुए कई जवाब दिए। बात करें युवराज सिंह की तो उन्होंने बताया इस बार खेल अलग है। जी हाँ, सर्किल में 5 खिलाड़ी रहेंगे ये उनका कहना था, तो इन दिनों 4 खिलाड़ी रहकर अलग हो सकते हैं ये उनका कहना था। 260, 270 और 280 के स्कोर को चुनौतीपूर्ण पहले माना जाता था, आजकल 300 से ज़्यादा रन मुकाबले वाले हो गए हैं, इसलिए बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती है। विराट और रोहित के लिए बड़ा झटका है अगर वो बड़े मुकाबले के साथ बड़ी टीम तैयार नहीं कर सकते हैं। शिखर धवन के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन पिछले मैच में जब उन्हें बेहद ही खराब प्रदर्शन करते हुए देखा गया तो तमाम सवाल उठे। खैर, केवल एक फील्डर की वजह से मुकाबले और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। उनका ये भी कहना था कि कैसी टीम इंडिया के पास है जो कि किसी भी स्कोर का पीछा कर सकती है, इसलिए खुशी की बात यह है कि भारत और इंग्लैंड के फाइनल में खेलने की ज़्यादा संभावनाएं अब उन्हें दिखने लगी हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम को भी वो मजबूत मानते हैं जहां स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर लौट आए हैं। एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर 3 साल की गैप के बावजूद गेंदबाजी आक्रमण भी उनका बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जिस तरह युवराज सिंह ने 3 साल के अनुभव के साथ वापसी को लेकर लोगों के बीच उम्मीदें जगाई थी, ये बात अलग है कि उन्हें नहीं चुना गया। ऐसा संभव था जिस तरह स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को चुना गया ऑस्ट्रेलियन टीम में, वैसे इंडिया में युवराज की वापसी संभव हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो टीम को एक बेहतर लक्ष्य भी मिल सकता था। वैसे अंतिम 4 में पहुँचने की संभावनाएँ तो अब भी हैं, यही कहना है युवराज सिंह का। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये बेहतर टूर्नामेंट तो हो सकता है, लेकिन युवराज सिंह की नज़र में ये विश्व कप हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। उनका फॉर्म बेहतर है इस वक्त और अच्छी बल्लेबाजी चल रहा है उनका, और इसी की ज़रूरत है। गेंदबाजी भी उनका बेहतर है और ऐसे ही खिलाड़ी की ज़रूरत है जो ऑल ओवर बेहतर प्रदर्शन दे सके। वहीं धोनी को लेकर भी उन्होंने तारीफ की, उन्होंने बताया बेहतर ही अनुभवी कप्तान के तौर पर माही की चर्चा हमेशा होती रहती है और ऐसे स्थिति में विराट से धोनी की बातचीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेस्ट नतीजे निकालने के लिए। वहीं फील्डिंग को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार जो कि इस वक्त के बेहतर खिलाड़ियों में शामिल हैं, क्रिकेटर, बल्लेबाज और बॉलर के तौर पर, ऐसे में कुलदीप यादव और यशवेंद्र चहल के रूप में जो बेहतर फील्डर हैं उन्हें लेकर ज़्यादा उन्हें उम्मीद है कि वो अगर बेहतर प्रैक्टिस करें तो फील्डिंग के तौर पर उन्हें बेहतर लक्ष्य के लिए रखा जा सकता है। देखना होगा युवराज के इन खुलासों के बाद क्या इस तरह से मदद जो विराट कोहली को मिली है टीम को संवारने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्या उन्हें विश्व कप के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से तृप्ति की रिपोर्ट।